हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके 11 दिसंबर से लेकर के 20 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। जैसे कि आप सभी को मालूम है, कल सीजीपीएससी मेंस 2018 का रिजल्ट आ चुका है। काफ़ी लोगों के सिलेक्शन हुए, काफ़ी लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए। जिनके सिलेक्शन हुए उनको बहुत बहुत शुभकामना है। जिनका नहीं हुआ है, रिजल्ट देख करके मोरल डाउन मत कीजिए। एग्ज़ाम टाइम है, तैयारी को लूज़ मत कीजिए। नहीं हुआ तो क्या होता है कि कई बार रिजल्ट आने के बाद ना कुछ समय के लिए माइंड अपसेट हो जाता है और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। देखिए, जो होना था हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए खाली पीली बैठे रहने से, उदास होने से, डीमोटिवेट होने से, मोरल डाउन करने से केवल और केवल आपको बस डिप्रेशन हाथ लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। तैयारी कीजिए, पेपर सामने है, तैयारी का लेवल अपना डाउन मत होने दीजिए। ठीक, वो पेपर गया गया, उसके चक्कर में सामने आने वाला पेपर बिगड़ गया तो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे आप। तो जो तैयारी चल रहा है वो तैयारी कंटिन्यू रखिए, इससे थोड़ा मूव ऑन होजिए। ठीक है, देखिए तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आपका मक्का प्रोसेसिंग यूनिट। मक्का प्रोसेसिंग यूनिट महावीरगंज, बलरामपुर जिले के महावीरगंज में आपके मक्का प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक, ये जो आपका महावीरगंज का जो आपका बलरामपुर जिले का जो महावीरगंज है, वहाँ पर आपका नेकॉफ कंपनी के द्वारा यह मक्का प्रोसेसिंग यूनिट आपका स्थापित किया जाएगा। यह हमारे प्रदेश का दूसरा मक्का प्रोसेसिंग यूनिट होगा। इससे पहले और एक मक्का प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाने की घोषणा की गई थी आपके बस्तर डिवीजन में, यानी बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग के कोंडागांव जिले में एक मक्का प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाने की या स्थापित किए जाने की घोषणा ऑलरेडी कर दी गई है। यह दूसरा मक्का प्रोसेसिंग यूनिट होगा जिसकी घोषणा की गई है महावीरगंज बलरामपुर जिले में। यहां पे अनुमान लगाया गया है कि इस यूनिट में प्रतिदिन 300 टन मक्के के खपत होने का अनुमान है। ठीक, हमारे प्रदेश में जो आपके मक्के का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपके बस्तर संभाग में और सरगुजा संभाग में, बस्तर संभाग में स्पेशली कोंडागांव में, और सरगुजा संभाग में आपके सरगुजा और बलरामपुर के क्षेत्र में ही आपके मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसलिए इन दोनों क्षेत्र में आपके मक्का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर है आपका टोपर जलप्रपात। टोपर जलप्रपात अभी हाल फिलहाल में प्रदेश में आपके दरभा ब्लॉक जिला बस्तर जिला के दरभा ब्लॉक में 25 फीट ऊंचे एक जलप्रपात की खोज की गई। ये जो जलप्रपात है ये एक प्राकृतिक जलप्रपात है जो कि एक गांव में, जिस गांव का नाम है आपका टोपर गांव के पास ये जलप्रपात मिला है, इसलिए इस जलप्रपात का नामकरण भी आपका टोपर जलप्रपात रख दिया गया है। तो ठीक है, इसे याद रखिएगा, टोपर जलप्रपात कहां पर है? आपका दरभा ब्लॉक बस्तर जिला, जिसकी ऊंचाई है आपका 25 फीट। ठीक, नेक्स्ट है आपका हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जब वे आपके जशपुर महोत्सव में जब वे शामिल हुए थे, तब उन्होंने घोषणा की है कि हॉर्टिकल्चर आपका यूनिवर्सिटी या हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय ये खोला जाएगा आपके जशपुर जिला में। हॉर्टिकल्चर जिसका मतलब होता है बागवानी फसल से संबंधित जो विश्वविद्यालय है। देखिए, बागवानी आप सभी को मालूम है, जो आपका जशपुर जिला है वो आपके चाय कॉफ़ी ये जो है ये सब आपकी बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, लीची हो गया, ये सारे के सारे आपके बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। जो आपका जशपुर है वो हमारे प्रदेश में बागवानी फसलों के उत्पादन में आपका अग्रणी जिला है, इसलिए वहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने की है। ठीक, नेक्स्ट है राज्य का पहला आधार सेवा केंद्र। राज्य का पहला आपका आधार सेवा केंद्र स्थापित किया जा रहा है पंडरी रायपुर में। नाम बस याद रखिए, इसका कॉन्सेप्ट बताने का कोई मतलब नहीं है, बस याद रखिएगा राज्य का पहला आधार सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पंडरी रायपुर में। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ थाना ये चुना गया है आपका बोडला थाना, जो कि आपके कवर्धा जिले के अंतर्गत आता है। कवर्धा जिला का जो आपका बोडला थाना है वो हमारे छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है। बस इसमें भी कॉन्सेप्ट याद रखिए, इसमें भी ज़्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है। यदि प्रश्न पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ थाना किसे चुना गया है, तो छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ थाना चुना गया है आपका बोडला थाना, जो कि आपके कवर्धा या कबीरधाम जिले में है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा टामन सिंह सोनवानी जिन्हें मुख्यमंत्री सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिव कौन है? आपके टामन सिंह सोनवानी, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए सौर सिटी प्रोजेक्ट ये केंद्र सरकार की एक प्रोजेक्ट है जिसमें देश भर के 65 शहरों का चयन किया गया है। इन 65 शहरों में हमारे प्रदेश के रायपुर और बिलासपुर, इन दो शहरों को चुना गया है। देखिए, केंद्र सरकार की जो आपकी सौर सिटी प्रोजेक्ट है, इसमें अगले 5 वर्षों में 10% परंपरागत
ऊर्जा की बचत का लक्ष्य रखा गया है। परंपरागत ऊर्जा यानी जो कोयले के माध्यम से जो आपके तापीय जो आपका बिजली का उत्पादन किया जाता है ना, तो ये जो आपके परंपरागत जो आपके ऊर्जा ऊर्जा की जो खपत हो रही है तो अगले 5 वर्षों में इसे 10% कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देश भर में से 65 शहरों का चयन किया गया है जिसमें से हमारे प्रदेश के इस योजना के अंतर्गत आपके 2 शहर है, कौन कौन से, रायपुर और बिलासपुर। नेक्स्ट देखिए मेहरार चौमान योजना, मेहरार चौमान योजना, ये जो आपका मेहरार चौमान है ये आपके हलबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है महिलाओं का सम्मान। मेहरार चौमान हलबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपका महिलाओं का सम्मान। ये योजना संचालित है आपके दंतेवाड़ा जिले में। ये जो योजना है ये अभी चर्चा में फिर तब आया जब आपकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो आपका रेडियो कार्यक्रम चलाया जाता है लोकवाणी, लोकवाणी में इन्होंने इस योजना का जिक्र किया है। देखिए ये योजना क्या है, ये योजना है आपके निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण, जो आपके स्पेशली जो आपके दंतेवाड़ा जिले में कुछ स्व सहायता समूहों के द्वारा किशोरियों और महिलाओं को ये सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जा रहे हैं तथा महिलाओं में होने वाली जो मासिक धर्म से संबंधित जो आपकी गंभीर जो बीमारी होती है या उससे संबंधित जो भ्रांतियां फैली हुई है स्थानीय स्तर पर, क्यों, क्योंकि वो आपके वहाँ पे वहाँ के लोग क्या है, एजुकेटेड नहीं है, जो आपके आदिवासी बहुल क्षेत्र रहते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते, तो उनमें मासिक धर्म से संबंधित जो भ्रांतियाँ फैली हुई है तो उसमें जागरूकता लाया जा रहा है और साथ ही साथ उससे होने वाली गंभीर बीमारियों से उन्हें निजात दिलाया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इस प्रकार के नाम से प्रश्न हमेशा पूछता है। मेहरार चौमान योजना कहाँ संचालित है, आपके दंतेवाड़ा जिले में। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका व्यक्ति विशेष। पहले नंबर पर है आपकी रजिया शेख, रजिया शेख जो कि जगदलपुर बस्तर जिले से संबंधित है। इन्हें अभी नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2019 के टॉप 30 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है, इन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। देखिए ये जो रजिया शेख वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2019 यानी देश में जो परिवर्तन लाने की दिशा में जो आपकी 30 महिलाओं की सूची तैयार की गई है उसमें ये हमारे प्रदेश की बस्तर जिले की रजिया शेख को भी शामिल किया गया है। क्यों, देखिए ये क्या है, एक प्रकार की ये महिला उद्यमी है, इन्होंने एक स्टार्टअप प्रारंभ किया था वर्ष 2017 में, इनके स्टार्टअप का नाम था बस्तर फूड फर्म। ठीक, ये जो है अपने इस फूड फर्म में इन्होंने सबसे पहला एक ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाया था महुआ का लड्डू। क्या होता है कि जो महुआ है, महुआ को सुखा करके उसे भूंज करके उसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिला करके गुड़ के साथ एक लड्डू तैयार किया जाता है। ये लड्डू को इन्होंने ये जो इनका स्टार्टअप है, जो इनका ये फर्म है, जो कंपनी है, इस प्रोडक्ट को, बस्तर के इस प्रोडक्ट को देश विदेशों में सेल कर रही है। ठीक, तो महिला उद्यमी के तौर पर इन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया 2019 के टॉप 30 सूची में शामिल किया गया है और इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है 22 लघु वन उपजों का समर्थन मूल्य पर खरीदी। आप सभी को मालूम है कि इस साल 15 लघु वन उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की बात हमारे प्रदेश सरकार ने की थी, लेकिन इस साल और 7 और 9 लघु वन उपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा हमारे प्रदेश सरकार ने कर दी है। तो जो पहला था 15 + 7 तो टोटल 22 लघु वन उपजों का इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी किया जाएगा। तो जो 7, देखिए ये 15 पर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ऑलरेडी, मैंने ये सारे के 15 जो आपके लघु वन उपज है इसका पूरा मैंने लिस्ट बता दिया था। जो नए 7 है वो है आपके महुआ फूल, जामुन बीज, कांच बीज, धवई फूल, करंज बीज, बाय बटिंग और आंवला बीज रहित। ठीक, तो ये जो 7 लघु वन उपज है इनका बस नाम याद रखिएगा, स्पेशली याद रखिएगा कि इस साल जो है टोटल 22 जो आपके लघु वन उपज है उनका समर्थन मूल्य पर खरीदी होगा। नेक्स्ट है देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम जिसका आयोजन हो रहा है आपकी गुवाहाटी असम में। हमारे प्रदेश के भी कुछ खिलाड़ी इसमें शामिल हो रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग डाटा दिए जा रहे हैं, किसी में 104 खिलाड़ी की बात कही गई है तो किसी में 113 प्रदेश से 113 खिलाड़ियों के शामिल होने की बात कही गई है। तो अभी फिलहाल हम इस पर डिस्कस नहीं करते, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से कि खेलो इंडिया यूथ गेम जिसके 3रे संस्करण का आयोजन हो रहा है आपके असम के गुवाहाटी में।
ठीक। नेक्स्ट है आपके अजय मंडल। अजय मंडल जिन्होंने अपना प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में अपना दोहरा शतक बनाया है, 209 रन की इन्होंने नाबाद पारी खेली। रणजी मैच में इन्होंने उत्तराखंड के विरुद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने दोहरा शतक बनाया है। दोहरा शतक बनाने वाले प्रदेश के दूसरे क्रिकेटर है। पहले क्रिकेटर है आपके अमनदीप खरे जिन्होंने 2000 में 210 रन की पारी खेली थी। तो 200 यानी दोहरा शतक बनाने वाले प्रदेश के पहले क्रिकेटर कौन है? आपके अमनदीप खरे। दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आपके अजय मंडल। नाम याद रखिएगा, किसके विरुद्ध बनाया है? उत्तराखंड टीम के विरुद्ध। नेक्स्ट है आपके दीपेश सिन्हा जो कि संबंधित है आपके वॉलीबॉल से। इनका नाम याद रखिएगा, इस साल के हमारे छत्तीसगढ़ के स्टार प्लेयर है, काफी चर्चा में रहे दीपेश सिन्हा। कहां किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके वॉलीबॉल से। आपके नेपाल काठमांडू में जो आयोजित हुआ आपके साउथ एशियन गेम्स का, उसमें जो हमारे भारत की जो टीम उतरी थी, सीनियर जो वॉलीबॉल टीम उतरी थी, उसमें हमारे प्रदेश के दीपेश सिन्हा भी मौजूद थे और हमारे भारत की जो सीनियर वॉलीबॉल टीम थी उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टोक्यो 2020 में आयोजित होने वाला जो ओलंपिक गेम है उसके क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के लिए जो सीनियर भारतीय वॉलीबॉल टीम उतरने वाली है उसके भी हिस्से है आपके दीपेश सिन्हा। टोक्यो ओलंपिक में भी भाग नहीं ले रहे, उसके क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। यदि क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद वो टोक्यो ओलंपिक में भी पार्ट लेंगे। ठीक, तो इनका नाम थोड़ा याद रखिएगा, दीपेश सिन्हा जिनका संबंध है आपका वॉलीबॉल से। नेक्स्ट है मनरेगा में प्रदेश को मिले 7 अवार्ड। मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश को 7 अवार्ड मिले। क्यों मिले? योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को 7 अवार्ड मिले हैं। जो 7 अवार्ड मिले हैं तो राज्य स्तर पर 3 अवार्ड मिले हैं, जिला स्तर पर 1 अवार्ड मिला है, विकासखंड पर 1 अवार्ड मिला है, ग्राम पंचायत स्तर पर 2 अवार्ड मिला है। सबको ऐड करेंगे तो टोटल 7 अवार्ड मिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ को। 10 अवार्ड के साथ मनरेगा के अंतर्गत 10 अवार्ड के साथ शीर्ष पर है आपके उत्तराखंड राज्य। ठीक, देखिए जियो मनरेगा इनिशिएटिव के तहत हमारे प्रदेश में, समझिएगा, हमारे प्रदेश में GIS संपत्ति पर्यवेक्षण क्रियान्वयन के अंतर्गत पामगढ़ विकासखंड जांजगीर चांपा सेकंड पोजीशन पर है। पामगढ़ विकासखंड जांजगीर चांपा जिले का ये क्या होता है? संपत्ति पर्यवेक्षण क्रियान्वयन, मतलब जैसे देखिए मनरेगा के अंतर्गत ऐसी संपत्ति का सृजन किया जाता है जो उपयोग में आए, जैसे भवन निर्माण हो गया, तालाब निर्माण हो गया, कुआं निर्माण हो गया, ये सारे के सारे संपत्ति का परिसृजन किया जाता है। तो ऐसे परिसंपत्ति का सृजन सबसे पहले जैसे क्या होता है, ये जो आपके पर्यवेक्षण की जो बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए कोई एक भवन बना रहा है तो भवन बनाने से पहले उस जगह का फोटो खींचा जाता है, फिर प्रथम चरण का फोटो खींचा जाता है, फिर मध्यम चरण का फोटो खींचा जाता है, जैसे आपका वो भवन आधा बन गया तो उसके बाद आपका फोटो खींचेंगे, फिर पूरा बनकर के तैयार हो गया तो लास्ट में एक फोटो खींचेंगे। तो ऐसे चरणबद्ध तरीके से ये जो इसका पर्यवेक्षण किया जाता है तो उस आधार पर जो है आपका पामगढ़ विकासखंड जांजगीर चांपा वो सेकंड पोजीशन पर है। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग संरचना। आप सभी को मालूम है कि वर्षा के जल बचाए जाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग संरचना पर हमारी प्रदेश सरकार जोर दे रही है। तो इसमें मनरेगा के अंतर्गत इस वाटर हार्वेस्टिंग संरचना में आपका पोड़ी ग्राम पंचायत कोरिया जिले का सोनहत विकासखंड के अंतर्गत आता है पोड़ी ग्राम पंचायत, जो कि सेकंड पोजीशन पर है। उसके बाद है आपका मनरेगा। मनरेगा में कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, मनरेगा में कार्यों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए जो है आपका धोतीम टोला ग्राम पंचायत, जो कि डोंडी विकासखंड के अंतर्गत आता है, वो तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स है हम डिस्कस कर लिए हैं। कई लोग के क्वेश्चन आते हैं कि करंट अफेयर कितने महीनों का तैयार करें। छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आपको लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को मालूम है नई प्रदेश सरकार बनी है, नई कैबिनेट का गठन हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर विधानसभा चुनाव हुए थे। तो जब से आपके विधानसभा चुनाव हुए तब से लेकर के अभी तक, यानी लास्ट 1 ईयर का आपका जो करंट अफेयर है छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट है। यदि हम नेशनल इंटरनेशनल की बात करें तो आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है। हमारा जो है नेक्स्ट सीरीज जो आपकी जुलाई से लेकर के दिसंबर माह तक का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये आपको 7 जनवरी को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो तब आप उसे ले सकते हैं। तो आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी अगर डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।